हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे वर्डप्रेस वीडियो कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है। तो गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी वेबसाइट को पब्लिश करने की बात करते हैं, जब भी हम वेबसाइट बनाने की बात करते हैं, तो हमेशा जो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक चूज़ किया जाता है वो होता है कि आपका डोमेन कौन सा होगा, आपकी होस्टिंग कहाँ पर होगी। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कि ये होते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रीफिंग में कुछ बताना चाहता हूँ कि होस्टिंग होती क्या है। होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्वर होता है, यहाँ पे आप अपनी जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं उनको पोस्ट करते हैं, फिर वहीं से आपकी जो फाइलें हैं वो डोमेन के थ्रू एक्सेस होती है। ठीक है जी, तो आप अपना होस्टिंग का सर्वर और जो डोमेन है, जो आपको एक यूनिक नेम दिया जाता है। डोमेन में एक्चुअल में होता क्या है कि डोमेन एक आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक नेम होता है जो कि आपके लेटर्स और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से भी बना हुआ हो सकता है, और उसका एक एक्सटेंशन होता है जैसे कि .com, .edu, .org, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेबसाइट का जो बिहेवियर है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है। वो एक कमर्शियल साइट है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन साइट है, वो एक एजुकेशन साइट है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसा कि हम अपने नेम के पीछे अपना सर नेम लगाते हैं, उससे पता चलता है कि ये मेल है, फीमेल है, या फिर आप किस कार्ड से बिलोंग करते हो। तो इस तरह का ही स्ट्रक्चर जो आज के टाइम आप ऑनलाइन जो देख सकते हैं वेबसाइट होस्टिंग का और डोमेन का होता है। तो बहुत सी पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत सी पॉपुलर कंपनीज है जो ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं उनके पैकेज। तो मैं यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये है GoDaddy.com, जिसका जो कि डोमेन के लिए सबसे फेमस साइट है। ये बहुत अच्छे अच्छे होस्टिंग के पैकेज भी प्रोवाइड करवाती है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे होस्टिंग के फीचर्स मिल जाएंगे, जैसा कि डोमेन नेम में इन्होंने ऑप्शन दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिए एक यूनिक डोमेन नेम सर्च करना होता है कि मेरा नाम बलजीत उप्पल है, तो मैं अपना नाम बलजीत उप्पल, इस नाम से अगर मैं डोमेन बाय करना चाहता हूँ तो मुझे फर्स्ट सर्च करना पड़ेगा कि मुझे बलजीतउप्पल.com या .org किस तरह का डोमेन है जो आज के टाइम मिल सकता है। हो सकता है कि ये नेम पहले किसी ने यूज़ किया हो, तो देख सकते हैं कि मेरे नाम का जो डोमेन है अगर मुझे इसी तरीके से लेना है बलजीतउप्पल.com, तो ये आपको $1795 में पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉस्टली है आप अपने लिए। अगर मैं बलजीतउप्पल.in से मतलब इंडिया ये लूँगा तो मुझे $3 में मिल जाएगा, .co.in लूँगा तो इतने मिल जाएगा ऑनलाइन। तो इस तरह से जो एक्सटेंशन है वो वेरियस एक्सटेंशन आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऑफर भी दिए गए कि आपको SSL सर्टिफिकेट इंक्लूड दिया जाएगा जो कि $16 में। ठीक है, तो आपने अपने लिए सूटेबल जो एक्सटेंशन है वो चूज़ करना है, अपने लिए सूटेबल जो डोमेन नेम है वो चूज़ करना है। लेकिन डोमेन चूज़ करने से पहले जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बेसिकली हर एक पर्सन को पता होनी चाहिए, जितना डोमेन आपका शॉर्ट होगा उतना ही वो अच्छा होगा, जितना उसमें स्पेलिंग का कॉम्बिनेशन है वो ईजी होगा उतना ही वो याद रखने में भी ईजी होगा। तो कोशिश करिए कि कुछ प्रोफेशनल सा, कुछ यूनिक सा नेम बनाइए। तो बहुत सारे नेम टूल भी आते हैं इंटरनेट पे जो आपको हेल्प करते हैं। अगर आप डोमेन नेम जनरेटर ऐसे सर्च करोगे तो आपको कुछ टूल मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके लिए एक अच्छा सा यूनिक नेम ढूंढने में, जिसको कि आप अपना एज ए डोमेन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नैमेश का है, तो यहाँ पे जाके अपना कुछ भी ढूंढ लीजिए। ये बताते हैं कि आप अपने नाम का कोई एक वर्ड दे दीजिए जो इसको चाहिए, जैसे मुझे मनी से रिलेटेड यूनिक नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा। तो ये मनी से रिलेटेड कुछ यूनिक और कॉमन SEO सिमिलर ऐसे करके मुझे कुछ नेम देगा जिनके अंदर ये मुझे प्रोवाइड करवाएगा कि money.org.co, money.mobi, money.info। तो आप अपने लिए सूटेबल जो डोमेन नेम है वो चूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा सा यूनिक नेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग के लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ साइट वो है साइट ग्राउंड। भी बहुत अच्छे पैकेज देती है, लेकिन होस्टिंग में जो आज के टाइम में अगर नंबर वन पर कोई कंपनी है तो वो है साइट ग्राउंड। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इनकी आप, लेकिन अगर आपने डोमेन बाय किया है गोडैडी से और वेब होस्टिंग बाय की है साइट ग्राउंड से, तो भी कोई इशू नहीं है। आप इन दोनों को खाली एक नेम सर्वर से आप अटैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने गोडैडी पे प्लेटफॉर्म पे जाके आपने अपना होस्टिंग सर्वर सेटअप किया हो और आपका डोमेन है वो गोडैडी पे है, तो आप साइट ग्राउंड के नेम सर्वर है वो सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप इस पे अपना होस्टिंग सर्वर खोलेंगे तो आपको नेम सर्वर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उन नेम सर्वर को आप अपने डोमेन के अंदर जाके ऐड करवा सकते हो। तो अगर मेरा गोडैडी पे कोई अकाउंट ओपन होगा अभी,
तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि नेम सर्वर आपने कहाँ पे रजिस्टर करने होते हैं और एक्चुअल में वो होते कैसे हैं। तो मैं साइन इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे तीन डोमेन चल रहे हैं। तो यहाँ पे DNS दिया गया है, जैसे कि आप नेम देख रहे हो, इस नेम के आगे DNS दिया गया है। तो इस वेबसाइट का जो सर्वर है वो अलग से milesweb.com पे चल रहा है। तो मैंने milesweb.com के जो अपने DNS से है, जो कि नेम सर्वर है, NS का मतलब होता है नेम सर्वर, DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, तो दोनों एक ही चीज़ होती है। तो मैंने उनके जो डोमेन नेम सर्वर है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाए हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि खाली अपने साइट ग्राउंड पे अगर आपने होस्टिंग लिया और गोडैडी पे आपने डोमेन लिया, तो साइट ग्राउंड के जो अपने नेम सर्वर है उसको ला के गोडैडी में सिंक्रोनाइज करवाना है। तो विदिन 5 या 10 मिनट में आपकी साइट है वो रनिंग में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना सेटअप है वो कर सकते हो। और जानकारी के लिए आप हाउ टू सिंक्रोनाइज होस्टिंग सर्वर विद डोमेन लिख के आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे स्मॉल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो होस्टिंग का आपका कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि वेब होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, वूकॉमर्स होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है। अब इन तरह की होस्टिंग में फ़र्क क्या होता है? ये वेब होस्टिंग, इसमें आपको cPanel दे दिया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है कि फास्ट सिक्योर होस्टिंग है, और ये स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की वेबसाइट के लिए अच्छा पैकेज है। ये है कि अगर आपकी साइट सिर्फ वेब वर्डप्रेस पे बनी है तो यहाँ पे आपको इंक्लूडेड वर्डप्रेस सेटअप लगा के दिया जाता है। आपकी वेबसाइट ऑलरेडी अगर बनी है तो उसको इम्पोर्ट करवा के दिया जाता है। तो ये सिर्फ अगर आप वर्डप्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वूकॉमर्स होस्टिंग का मतलब है कि अगर आपने वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो और साथ में आप उसको एज ए ई-कॉमर्स स्टोर यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको आप यूज़ करिए। खाली ब्लॉग साइट है तो आप इस होस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फास्ट और रिलायबल मानी जाती है, उसको आप चूज़ करोगे तो आपकी साइट की परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग रहेगी। तो आप अपने लिए एक अच्छी से होस्टिंग पैकेज चूज़ कर लीजिए। जो पैकेज आपको अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक करिए और इसको आप बाय कर लीजिए। तो इसमें भी आपको अलग अलग प्राइस दिए गए हैं। एंट्री लेवल पे क्या है, बिजनेस, बिजनेस प्लस और सुपर पावर। तो यहाँ पे 2 CPU कोर दिया जा रहा है, 4 GB मेमोरी दी जा रही है, 40 GB SSD और 5 TB डाटा ट्रांसफ़र है। तो डाटा ट्रांसफ़र मतलब कि 5 TB डाटा ट्रांसफ़र आपका आप एक टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा पैकेज है मीडियम साइट के लिए, लेकिन एक थोड़ा कॉस्टली है। आप अपने लिए रिलायबल पैकेज ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए चीप हो बट बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ हो। तो इस तरीके से आप अपने लिए पैकेज वो ढूंढ सकते हैं, डोमेन है उसको ले सकते हो और उसके साथ अपना जो अकाउंट है वो सिंक्रोनाइज करवा सकते हो। तो होप्स हो कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डोमेन एंड होस्टिंग की वो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आप इनको आप सेटअप लगा लेते हैं, इनको बाय कर लेते हैं, तो आपको cPanel जो दिया जाता है, जो कि होस्टिंग को मैनेज करने के लिए, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की फाइलें रखते हैं और उसको वहाँ से कंट्रोल करते हैं, तो cPanel को कैसे हैंडल करते हैं, आगे की वीडियो में मैं वो आपको सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।